सचिव जी राम राम। जय राम भैया। अपना परिचय बताएं और असर इनिशिएटिव जब से आया है कुछ आपको फायदा हुआ है आपके यहाँ पर अमूल की बनासकांठा डेयरी पर कुछ फायदा हुआ है यहाँ पर जब से अमूल आई है या नहीं? हमारा नाम संग्राम सिंह है, मैं झगड़िया में बनास डेयरी का सचिव हूँ और असर के आने से काफ़ी परिवर्तन दिखे हैं किसानों में। जी क्या क्या परिवर्तन दिखे हैं? जैसे नंबर एक तो ये है कि किसान पहले जो दूध गड़बड़ लाते थे उससे दूध में होने वाला नुकसान ज़्यादा था, दूध खराब हो जाता। अब लगभग 80% किसानों ने उसमें परिवर्तन किया है, स्वच्छ दूध ला रहे हैं जिससे नुकसान कम हो रहा है। दूसरी चीज़, लगभग 90% किसान कीड़े का टैबलेट देना शुरू कर चुके हैं। अच्छा सचिव जी ये बताएं कि पहले आज जब सितंबर माह में आपके यहाँ कितना दूध आ रहा था, कितने एक्टिव किसान थे और कितना दूध ला रहे थे, और अब दूध बढ़ा है या कुछ परिवर्तन नज़र आ रहा है? सितंबर माह में हमारे पास दूध लगभग 60 से 70 लीटर एक टाइम हुआ करता था। अब आज की स्थिति में दूध लगभग 120 से 140 लीटर के बीच पहुंच जाता है एक टाइम का। अच्छा, तो इसका मतलब है कि दूध में बढ़ा हुआ है। लगभग 20 किसान और बढ़े हुए हैं असर के आने से। 20 किसान बढ़े हैं? अच्छा, तब तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो असर इनिशिएटिव कैसा काम कर रही है आपके क्षेत्र में? असर इनिशिएटिव बहुत अच्छा काम कर रही। असर इनिशिएटिव के आने से किसानों को कीड़े की दवा की जानकारी हुई और नमक जानवर के पशु के भोजन में कितना महत्व रखता है ये भी जानकारी हुई। और पानी भी लोग एक बार पिलाता था वो दो बार पिलाने लगे, जो दो बार पिलाते थे वो तीन बार पिलाने लगे। इससे दूध में बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा, जो किसानों का पहले कम रेट हुआ करता था, आपका किसानों का रेट बढ़ा है? हाँ, रेट कुछ तो कंपनी तरफ से बढ़ा है, कुछ उनके रख रखाव सुधार से रेट बढ़ा है। अच्छा, तो असर इनिशिएटिव क्या लगता है आपको, ऐसे काम करते रहेगी तो किसानों में खुशहाली आ जाएगी? हाँ, हमारा अनुमान ये है कि जहाँ तक कोई किसान देर से कोई जल्दी समझ जितनी जल्दी से उनसे किसान समझ पा रहा है उसके अनुसार से कुछ थोड़ा उसको फायदा हो रहा है, मतलब पहले की अपेक्षा अब उनको ज़्यादा फायदा हो रहा है। अच्छा, लगभग सचिव जी ये बताएं कितने % सुधार अब तक हो चुका है? देखिए, ये सुधार हर मामले में अलग अलग तरीके से है जी। जैसे कीड़े की दवा के मामले में लगभग 80-85% पहुँच चुका सुधार। अब वही पानी और नमक के बारे में लगभग 70% सुधार पहुँच चुका है। मिनरल मिक्सचर के बारे में अभी तक मुश्किल से 20% या 25% के आसपास सुधार हुआ। अच्छा, मिनरल मिक्सचर लोग अभी कम दे रहे हैं। हाँ। उनको आसानी से